आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन के इंग्लिश के चैप्टर फाइव जो कि है द स्नेक एंड मिरर इस कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं एक डॉक्टर के बारे में जो है बताते हैं कि उनके घर में जो है एक बार सांप आ जाता है उसके बाद जो है क्या क्या होता है उन सारी चीजों को यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने बताया है और ये जो चैप्टर है बहुत ही फनी है इसलिए आपको जो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूछा गया है कि क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना पसंद है और जिस वक्त आप शीशे में देखते हो तो उस वक्त आप क्या सोचते हो इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी डॉग कैट या बर्ड को जो है शीशे में देखते हुए देखा है और आपको क्या लगता है कि जब वो शीशे में देखते हैं तो वो क्या चीज़ देखते हैं तो ये तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसके सवाल के जो जवाब है आप चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं तो चलो अब जो है कहानी को शुरू करते हैं तो कहानी के शुरुआत में बताया गया है कि कुछ लोग जो थे वो आपस में बात कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्या कभी किसी सांप भी हिस्से पर कौल्ड। कौल्ड के मतलब कुंडली मारना मतलब जकड़ा है और बड़े से काले ने अब ये सुनते ही राइटर कहते हैं कि वो और उनके साथ जो भी लोग वहां पर थे सभी एकदम शांत हो गए ये जो क्वेश्चन था यह जो है किया गया था एक होम्योपैथ मतलब एक डॉक्टर के द्वारा किया गया था तो जो डॉक्टर आता है वह यह क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि उस समय जो है वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब सांपों के बारे में बात कर रहे थे फिर राइटर कहते हैं कि वो जो डॉक्टर था वह कहानी सुनाना शुरू करता है इसलिए वे लोग जो थे वे ध्यानपूर्वक उस डॉक्टर की कहानी सुनते हैं तो डॉक्टर जो है कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं कि वह समर सीजन की गर्म रात थी और लगभग दस बजे हुए थे मैं रेस्टोरेंट से खाना खा करके अपने घर वापस जा रहा था फिर जो अपने ये घर के गेट को खोल रहे होते हैं तभी जो है इनको घर के ऊपर से कुछ आवाज़ आता है इनको लगता है कि ये जो आवाज़ है कुछ जाना पहचाना है क्योंकि ये कहते हैं कि इनके घर में जो इनके साथ बहुत सारे चूहे भी रहते थे मतलब इनके घर में बहुत ज़्यादा चूहे थे फिर ये घर के अंदर जब जाते हैं तो ये जो एक माचिस का डिब्बा निकालते हैं उसके बाद एक कैरोसिन लैम्प को लाइट करते हैं मतलब उसको जलाते हैं वो बताते हैं कि वो जो घर था वह इलेक्ट्रिफाइड नहीं था मतलब उसमें बिजली जो है अभी नहीं लगी थी बिजली का साधन नहीं था और उन्होंने जो एक छोटा सा कमरा जो है रेंट पर लिया हुआ था वो कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में जो है मेडिकल प्रैक्टिस मतलब डॉक्टरी करनी शुरू की थी इसलिए उनका जो अभी अर्निंग था वो बहुत ही मीगर मीगर मतलब हुआ बहुत ही कम था बहुत ही थोड़ा था उनके पास जो है सिर्फ सिक्सटी रुपीज़ जो है उनके सूटकेस के अंदर रखा हुआ था इसके साथ वहाँ पर जो है कुछ शर्ट्स और धोतीज रखे हुए थे इसके साथ ही उनके पास एक सोलिटरी सोलिटरी मतलब हुआ सिंगल एक अकेला जो है ब्लैक कोट भी था जो कि वह पहने हुए थे फिर वो रूम में जाने के बाद अपने ब्लैक कोट को अपने वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट वेस्ट मतलब थोड़े से गंदे वेस्ट मतलब होता है बनियान जिसको गंजी भी कहा जाता है ठीक है उसको उतार करके टांग देते हैं फिर अपने रूम के जो है दो विंडोज़ को खोल देते हैं इनका ये जो कमरा था ना यह आउटर रूम था मतलब बोल सकते हो कि किनारे वाला रूम था बाहर की तरफ वाला ये जो कमरा था इसका एक दीवार खुले मैदान के सामने था मतलब कि बोल सकते हो कि बाहरी वाला कमरा था इसका एक दीवार जो है उसके जस्ट पीछे की तरफ जो है पूरा एकदम खुला मैदान था इस घर के छत पर जो है टाइल्स लगे हुए हैं जैसा कि यहाँ पर आप किनारे किनारे पर देख सकते हो और ये जो टाइल रूफ है मतलब ये जो छत जो है इस घर का वह सपोर्ट किससे लिया हुआ है तो इस गेबल से गेबल मतलब जो बाहरी दीवार हो गई इस दीवार पर जो है वह टिका हुआ है और ये जो दीवार है यह नीचे का जो बीम है ये जो मोटा सा आपको दिख रहा है लाइनिंग ठीक है इसके ऊपर जो है वह टिका हुआ है फिर ये कहते हैं कि इनके घर में जो है सीलिंग नहीं था यहाँ पर सीलिंग जो है उसको कहा जाता है रूम का अंदर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको ठीक है ये बोलते हैं कि वहाँ पर जो है बीम्स थे जिसके ऊपर से जो है रैट मतलब जो चूहे है वो आते जाते रहते हैं ये अपने बिस्तर को जो है खींच करके एक दीवार के पास लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर लेट जाते हैं लेकिन इसमें नींद नहीं आता इसलिए ये जो है बरामदे में चले जाते हैं जहाँ पर ये कुछ जो है हवा ले सकें ये बरामदे में चले तो जाते हैं लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता तो ये ऐसा सोचते हैं कि मानो हवा के देवता जो है उन्होंने छुट्टी ले ली हो तो ये जो है वापस चले जाते हैं अपने रूम में और अपने चेयर पर बैठ जाते हैं फिर ये जो है टेबल के नीचे रखी बुक को निकालते हैं जिसका नाम रहता है मेट्रिया मेडिका उस बुक को जो है टेबल के ऊपर रख कर वो खोलते हैं टेबल पर ही जो है लेम्प रहता है और एक बड़ा सा जो है मिरर रहता है उस मिरर के बगल में जो है एक कॉम्बिस्ंगी जो है वो रखी रहती है ये कहते हैं कि जब सामने शीशा रखा हो तो उसमें देखने का मन करता है ये जो है शीशा में देखना शुरू करते हैं फिर ये बताते हैं सभी लोगों को कि उन दिनों जो है ये बहुत ही शौकीन थे मतलब शीशे में देख करके खुद की सुंदरता की जो है खुद ही बढ़ाई करने की और वो जो है अपने आप में यह विश्वास रखते थे कि वह जो है अपने आप को देखने में और हैंडसम बनाए थे तो वो तो और सुंदर बनाए वो कहते हैं कि उस वक्त जो है उनकी शादी नहीं हुई थी और वह एक डॉक्टर थे इसे सोचते हैं कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लगना चाहिए उसकी तरह फिर वो शीशे के पास पड़ी कंघी को उठाते हैं और अपने बाल को जो है कंघी करने लग जाते हैं जिससे कि उनका जो बाल है वो एकदम सीधा और साफ़ सुथरा जो है दिखे तभी वापस से जो है उनको ऊपर से पहले वाली आवाज़ सुनाई देती है मैं जब वो पहले घर में घुस रहे थे उस वक्त जो सुनाई दिया था वैसे ही आवाज़ इस वक्त भी उन्हें सुनाई देता है फिर ये जो है वापस से एकदम ध्यान से अपने चेहरे को शीशे में देखना शुरू करते हैं और वह जो यह डिसाइड करते हैं कि वो जो है अब हमेशा मतलब डेली जो है सेव करेंगे दाढ़ी बनाएंगे और एकदम पतला सा जो है मूँछ रखेंगे जिससे कि वो और ज़्यादा जो है सुंदर दिख सके फिर वो कहते हैं कि आखिरकार उस वक्त जो है वो एक बैचलर थे मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ ही वो एक डॉक्टर भी थे उसके बाद ये जो है मिरर में देखते हैं और मुस्कुराते हैं फिर कहते हैं कि यार मेरी जो स्माइल है मेरी जो मुस्कुराहट है ये कितनी अट्रैक्टिव है फिर ये एक और जो है बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हैं मतलब एकदम धरती हिला देने वाला डिसीजन ये कहते हैं कि ये जो स्माइल है ये इतनी अट्रैक्टिव है इसलिए इस स्माइल को मैं हमेशा फेस पर रखूँगा ताकि मैं हमेशा जो है और ज़्यादा सुंदर दिख सकूँ और वापस वो कहते हैं कि आखिरकार मैं एक बैचलर था और उससे बढ़कर मैं एक डॉक्टर था अब वो जो है खड़े हो जाते हैं और यहाँ वहाँ कमरे में घूमने ले जाते हैं तभी उनके दिमाग में एक और प्यारा सा ख्याल आता है वो बोलते हैं कि अब जो है मैं शादी कर लूँगा और शादी भी एक ऐसी औरत से करूँगा जो कि एक डॉक्टर हो उसका बहुत सारा पैसा हो और उसकी जो डॉक्टरी है मतलब जो डॉक्टर का काम है वो अच्छे से चल रहा हो वो कहते हैं कि वो जो औरत होनी चाहिए वह मोटी होनी चाहिए और ये कहने का उनके पास एक रीज़न भी है वो कहते हैं कि जब भी जो है वह कोई बेवकूफ़ी भरा मिस्टेक करेंगे तो वह जो है मारने के लिए दौड़ेगी लेकिन वह मोटी होगी इसलिए वह जो है दौड़ नहीं पाएगी और इनको पकड़ नहीं पाएगी अब इसी विचार के साथ जो है वह टेबल के पास जो कुर्सी रखी थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं अब घर के ऊपर से जो है कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है लेकिन अचानक उसी वक्त जो है एक डल थर्ड थर्ड का मतलब हो गया कि एक धमाका सा मतलब एक मंद डल मतलब हो गया मंद मतलब एक धीमा सा जो है लगा मानो धमाका सा हुआ है जैसे कि कुछ ऊपर से जो है रबर ट्यूब जो है धरती पर आकर गिरा हो ये कहते हैं कि हाँ डरने कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी यह सोचते हैं कि मुझे जो है मुड़कर देखना चाहिए कि आखिर ये क्या गिरा और जैसे ये पीछे मुड़ते हैं जिस वक्त देखने के लिए एकदम उसी वक्त एक मोटा सा सांप जो है कुर्सी के पीछे से चढ़ करके इनके शोल्डर पर आ जाता है ये बताते हैं कि जिस वक्त ये मुड़े रहते हैं उसी वक्त उसी सेम टाइम पर जो है वो सांप इनके शरीर पर आ जाता है तो इनकी जो हालत थी वो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी लेकिन फिर भी ये जो है ना कूदते हैं ना ही ट्रेम्बल मतलब ना ही लड़खड़ाते हैं और ना ही चिल्लाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि उस समय ये सब करने का कोई वक्त नहीं था फिर कहते हैं कि जो स्नेक था वो स्लीथर मतलब फिसलता हुआ जो है इनके कंधे से इनके लेफ्ट आर्म पर आ गया ठीक है और लेफ्ट आर्म मतलब एल्बो से ऊपर का हिस्सा जो था मतलब आपका ये जो आर्म हो गया ठीक है एल्बो से ऊपर का हिस्सा था इस पर जो है कुंडली मार लिया मतलब एकदम मानो कि लपेट लिया पूरा उसके बाद उसने अपना हुड हुड का मतलब होता है फन जैसे हम लोग कोबरा को देखते हैं अपना फन जो है निकाल लेता है बाहर तो इस तरह फन को फैलाया और उस सांप का जो सिर था वो इनके चेहरे से सिर्फ तीन चार इंचे ही दूर था उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कहना सही नहीं रहेगा कि मैं जो है उस समय सांस रोक कर बैठा था बल्कि मैं तो उस समय एकदम पत्थर की तरह बन गया था लेकिन जो मेरा दिमाग था वो एकदम एक्टिव था और ये कहते हैं कि बाहर जो है डोर के बाहर में बाहर एकदम अंधेरा था घर में भी जो है चारों तरफ अंधेरा था बस लैंप के सामने वो जो बैठे हुए थे ना वहीं पर थोड़ा दूर जो है उजाला था क्योंकि लैम्प जो है उसका लाइट पड़ रहा था फिर ये कहते हैं कि ये जो एकदम एक फ्लैश में की स्टोन की तरह हो गए थे फ्लैश स्टोन के कहने का मतलब हुआ कि वो जो है इंसान के शरीर में पत्थर से बन गए थे मतलब हिल नहीं रहे थे तो एकदम पत्थर की तरह वहाँ पर बैठे हुए थे उस समय जो है इनको ऐसा फील हो रहा था कि मानो इस पूरे दुनिया को इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले जो है वो यहीं पर है मतलब गॉड यहीं पर है और उनको जो है मेरी कुछ बात जो है अच्छी नहीं लगी मतलब मैंने कुछ कह दिया और उन्हें उन्हें जो है वो अच्छा नहीं लगा उसके बाद जो है ये कहते हैं कि यह जो है अपने इमेजिनेशन में जो है अपने दिल के बाहर जो है वर्ड लिखे थे ओ गॉड मतलब तो नहीं हुआ कि इतना डर लग रहा था कि अंदर अंदर जो है सोचते थे कि हे भगवान आखिर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ इसके बाद जो है ये कहते हैं कि इनका जो लेफ्ट आर्म था उसके अंदर जो है दर्द होना शुरू हो गया था जैसे कि मानो कि थिक लेड एन रॉड इसका मतलब हुआ एक मोटी सी शीशे की छड़ी फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मोटी सी शीशे की छड़ी नहीं बल्कि मोटी सी पिघली हुई आग की छड़ी जो है धीरे धीरे मेरे इस पूरे आम को जो है मतलब क्रश कर रही थी उसे पूरा तोड़ रही थी मानो और जो इनका पूरा आम था वह अपना पूरा शक्ति जो है खो रहा था उसका पूरा शक्ति खत्म हो रहा था फिर वो बोलते हैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ अब देखो शक्ति खत्म होने का वजह यही था कि सांप इतना जकड़ लेता है कसकी की खून जो है फ्लो नहीं कर पाता इसलिए लगता है कि मानो पूरा जो आम रहता है वो फट रहा हो वैसा फील आता है तो वही फील इनको भी आ रहा था अब ये कहते हैं कि अगर मैं हल्का सा भी हिला तो ये जो सांप है यार मेरे ऊपर हमला कर देगा तो मेरी जो मृत्यु है वो मुझसे चार इंचेस की दूरी पर लर्क लर्ग मतलब क्या घात ला कर बैठी हुई है और मान लो कि ये सांप मुझे काट लेता है तो मुझे कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी यहाँ रूम में तो कोई दवाई भी नहीं रखी हुई है फिर तो कहते हैं कि मैं तो एक बेचारा मूर्ख डॉक्टर हूँ फिर ये जो है अपने सारे परेशानियों को अपने सारे खतरे को जो है भूल जाते हैं और एकदम तो हल्का सा मुस्कुराते हैं अपने ऊपर मतलब ये सोचते हैं कि अगर काट भी लेगा तो दवाई भी नहीं है कि लगाएंगे भाई अब इनको ऐसा लगता है कि माने जो भगवान थे वह इनकी बात को सुन लेते हैं और इनकी बात की कदर करते हैं क्योंकि जो सांप था वह अपने मुंडे को घुमाता है और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखने जाता है ये कहते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि यह पहला सांप है जो कि मिरर में खुद को देख रहा है लेकिन ऐसा जो पक्का था कि ये सांप अपने आप को जो है मिरर में देख रहा था क्या यह अपनी खूबसूरती की खुद से बढ़ाई कर रहा है मतलब प्रशंसा कर रहा है या फिर ये जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वह लेने की कोशिश कर रहा है जैसे कि इसे जो है अपनी मूछे जो है बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए या फिर इसे आई सैडल लगानी चाहिए या नहीं या इसको मस्कारा लगानी चाहिए नहीं या फिर इसे जो है वर्मिलियन स्पॉट वर वर्मीलियन जो है उसका मीनिंग होता है सिंदूर ठीक है तो सिंदूर की जो है बिंदी उसको लगानी चाहिए या नहीं ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं रहता है कि भाई जो सांप है वह मेल है या फीमेल है इसलिए वो बोलते हैं कि भाई मूछला उसको बढ़ाना चाहिए नहीं या फिर बिंदी लगानी चाहिए नहीं मतलब ये दोनों जो है बात रख देते हैं कि अगर मेल हुआ तो ये करेगा फीमेल हुई तो ये करेगी फिर ये कहते हैं कि उन्हें कभी पता नहीं चलने वाला है कि वो जो सांप था वह मेल था या फिर फीमेल था ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि देखो सांप जो था ना उस समय इनके जो आम था उसको छोड़ दिया था और धीरे धीरे रिंगता हुआ जो है इनके गोद में आ गया था मीन्स लैप मीन्स गोद में आ गया था फिर वहां से जो है वह ऊपर टेबल पर चला गया शायद वो जो है अपने परछाई को और पास से देखना चाहता है इतना कहते हुए बोलते कि अब मैं कोई ग्रेनाइट का बना हुआ इमेज नहीं था मतलब अब मैं जो है पत्थर का बना मूर्ति नहीं रहा जैसे ही उस सांप ने छोड़ा मुझे वापस से जो है फ्लैश आ गया और ब्लड आ गया मतलब वापस एक इंसान की तरह बन गया मैं धीरे से उठा और धीरे से एकदम चुपके से जो है बरानदा के पास चला गया और फिर वो जो है यार्ड में कूदते हैं वहाँ से और जितनी ताकत आती है, है उससे वह दौड़ना शुरू कर देते हैं अब जितने लोग थे वो सब जो है एकदम फ्यू मतलब एकदम जो है एकदम राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आपकी जो वाइफ है क्या वो मोटी है क्योंकि जो डॉक्टर थे वो खुद कहे थे कि वह जो एक मोटी औरत से शादी करना चाहते हैं तब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि भगवान जो थे उनका कुछ और ही इच्छा था इसलिए जो मेरी जीवन साथी है मतलब जो मेरी पत्नी है वह बहुत पतली है इसके साथ जो है उसके स्प्रिंटिंग का जो है गिफ्ट है मतलब कि वो बहुत तेज जो है दौड़ती है उसमें यह गुण है कि वो बहुत तेज़ दौड़ती है तभी किसी और ने पूछा कि डॉक्टर जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं जो है जब दौड़ना शुरू किया था तो मैं एकदम तेज़ी में दौड़ता रहा दौड़ता रहा जब तक कि जो है मैं अपने एक फ्रेंड के घर तक ना पहुँच गया फ्रेंड के घर पर पहुँचते ही जो है मैंने अपने पूरे शरीर पर जो है तेल लगाया फिर स्नान करके आकर नए कपड़े पहन लिए फिर अगले दिन लगभग साढ़े आठे करीब में जो है मैं और मेरे दोस्त जो है गए थे कमरे से सामान हटाने के लिए लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ भी जो है नहीं मिला ले जाने के लिए क्योंकि एक जो चोर था उसने पूरा ही कमरा साफ कर दिया था मतलब उसने जो है पूरे कमरे में जो चीज़ था सब चुरा लिया था फिर वो कहते हैं लेकिन पूरी चीज़ नहीं उसने एक चीज़ जो है पीछे छोड़ दिया था मेरा एक फाइनल इंसल्ट के तौर मतलब मेरा अपमान करते एक चीज़ उसने पीछे छोड़ दिया था अब जो है लोग पूछते हैं कि आखिर वह क्या था मतलब क्या चीज़ उसने पीछे छोड़ा था तो डॉक्टर जो है कहते हैं कि वो जो थी वह मेरी वेस्ट थी वेस्ट को बनियान कहते हैं ठीक है या फिर गंजी भी लोग कहते हैं उसको जो कि बहुत ही डर्टी थी फिर वो कहते हैं कि वो जो बदमाश था उसमें साफ़ सफाई की इतनी समझ थी मतलब उसने गंदी चीज छोड़ दी और सब अच्छी अच्छी चीज़ें लेके चला गया फिर वो कहते हैं कि अगर वह चाहता तो वो जो है इसको ले जा करके साबुन पानी से धो करके वापस से यूज़ कर सकता था फिर किसी ने पूछा कि क्या आपने अगले दिन सांप को देखा था तो डॉक्टर जो है थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं मैंने जो है उसको फिर कभी नहीं देखा वो एक ऐसा सांप था जो कि खुद की ब्यूटी पर ही जो है खुद टेकन विथ टेकन विथ का मतलब है कि अट्रैक्ट हो गया था तो मतलब खुद की ब्यूटी पर जो है खुद की सुंदरता पे खुद ही मोहित हो गया था तो यहाँ पे ये यह जो पूरा चैप्टर है ये खत्म होता है आप देख सकते हो तो ये चैप्टर जो था वो थोड़ा फनी था ठीक है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में